नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लीजिए, आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेके, जिसमें आज हम बात करेंगे हाइबिस्कस प्लांट के बारे में। वो कितनी वैरायटी के होते हैं, कौन से सीजन में वो ब्लूमिंग करते हैं, कौन से सीजन में वो डोरमेंट होते हैं, पूरी जानकारी दूंगी। फर्टिलाइजर के बारे में भी बता दूंगी मैं आज इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत सा कृष्ण कमल का जो प्लांट है, जो फ्लावर है, वो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। काफी हेल्दी सी ग्रोथ लिए हुए हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और पर प्रेस कर लीजिए। तो गाइज, हाइबिस्कस प्लांट के बारे में जो जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि कितनी वेरायटी के हाइबिस्कस प्लांट होते हैं। एक तो आप जानते हैं हाइब्रिड वेरायटी होती है और एक देसी वेरायटी होती है। तो गाइज, इसके अलावा भी और वेरायटीज होती है, जैसे कोलकाता वेरायटी, उस एरिया के जो प्रोपगेट किए हुए प्लांट होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, उनको अलग एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। और जो पूना वेरायटी, वहां पर जो प्रोपगेट किए जाते हैं वो प्लांट अलग तरीके के होते हैं और वो अलग तरीके से आपके गार्डन में ब्लूमिंग करते हैं। यानी कि वेदर पर डिपेंड करता है कि कौन सी वेरायटी, कोलकाता या पूना वेरायटी में से समर में कौन सी वेरायटी आपके गार्डन में ब्लूमिंग करेगी। तो ये जो रेड कलर का हाइबिस्कस देख रहे हैं आप, ये कोलकाता वेरायटी का है और ये इस समय थोड़ा सा स्ट्रेस में है, यानी कि इसमें कुछ बर्ड्स हैं जो येलो होके ड्रॉप हो रही हैं। और जो पूना वेरायटी का प्लांट है मेरे पास, ये ऑरेंज कलर का जो इससे पहले आपने देखा, वो पूना वेरायटी का है और वो बहुत ही बढ़िया अच्छे से अभी ब्लूमिंग कर रहा है। एक और पूना वेरायटी का प्लांट है जो अभी स्ट्रेस में है, तो मैं कंफ्यूज हूं कि कोलकाता वेरायटी या पूना वेरायटी में से समर में कौन सा प्लांट सर्वाइव करेगा। अब एक और वेरायटी का प्लांट होता है देसी वेरायटी, जिसे हम बोलते हैं, जो कि मार्च में काफ़ी इजीली प्रोपगेट हो जाता है और प्रोपगेट होने के बाद वो समर में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करता है। यानी कि अगर आपको समर में हाइबिस्कस लगाना है तो आप देसी वेरायटी का, हाइब्रिड वेरायटी का आप ना लगाएं, आप देसी वेरायटी का लगाएं, वो समर में अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। और अगर आप पूना वेरायटी या कोलकाता वेरायटी के प्लांट लगाना चाहते हैं, हाइब्रिड वेरायटी जिसे बोलते हैं, दोनों को ही हाइब्रिड वेरायटी में गिना जाता है, तो आप उसे बारिश में लगा सकते हैं या विंटर में। विंटर में जो हाइब्रिड वेरायटी का प्लांट है ना, वो थोड़ा स्ट्रेस में होता है और हाइब्रिड वेरायटी का प्लांट ज़्यादा समर आती है तब भी स्ट्रेस में चला जाता है। यानी कि हाइब्रिड वेरायटी की केयर करना थोड़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है। जो देसी वेरायटी के प्लांट होते हैं वो ईजिली प्रोपोकेट भी हो जाते हैं और ईजिली सर्वाइव भी कर जाते हैं। खाद में दोनों को एक तरीके की देती हूँ, यानी कि अलग अलग कोई भी खाद नहीं देती हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लूमिंग करते हैं दोनों। और अगर आपको अभी इस समय परचेस करना है तो आप कोलकाता वेरायटी के हाइब्रिड वाले प्लांट परचेस कीजिए, वो ही आपके गार्डन के लिए ठीक है। अगर आप पूना वेरायटी के परचेस करना चाहते हैं तो आप बारिश में परचेस कीजिए, वो आपको अच्छी ब्लूमिंग देंगे। तो ये मैं मध्य प्रदेश के वेदर के हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने गार्डन में अपने यहाँ के वेदर के हिसाब से ही वेरायटी चूज कीजिए। और वैसे जब नर्सरी जाते हैं तो हम किसी वेरायटी को नहीं देखते, हम सिर्फ फ्लावर की ब्लूमिंग को देखते हैं, उसके कलर को देखते हैं, उसको जो हेल्दी है या नहीं वो देखते हैं और बस हम परचेस कर लेते हैं। तो गाइज, इसमें मैं कंपोस्ट, जो काउडंग कंपोस्ट होती है, जो मैं नर्सरी से नहीं खरीदती हूँ, मैं गौशाला से ही काउडंग कंपोस्ट लेकर के आती हूँ और उसी में मैं कैल्शियम वगैरह सब कुछ मिक्स करके पूरा कंप्लीट फर्टिलाइजर बना के अपने प्लांट को देती हूँ। और अभी ये देखिए, पूना वेरायटी का ये जो प्लांट है, मैंने अभी 6 महीने पहले परचेस किया था और बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। तो प्लांट की ब्लूमिंग डिपेंड करती है उसके प्रोपगेशन पर, वो कब प्रोपगेट किया गया है उसी पर आपके गार्डन में ब्लूमिंग डिपेंड करती है। और देसी वेरायटी के भी मेरे पास प्लांट है, वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। देसी वेरायटी के जो प्लांट होते हैं, ये देखिए, ये देसी वेरायटी का प्लांट है और ये काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग करता है गर्मी में। विंटर में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है और फिर वापस से ब्लूमिंग करने लगता है। वैसे तो जब ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होती है और ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ती है या ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश होती है तो भी प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो गाइज, आपको अपने वेदर के हिसाब से ही अपने प्लांट की केयर करनी होगी, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसे चेक कीजिए। और देखिए, वाइट फ्लाइज बहुत अटैक करती है, तो अभी आप अपने प्लांट पर नीम ऑयल का हफ्ते में एक बार स्प्रे ज़रूर कीजिए। मैं कर रही हूँ, देखिए इस पर भी काफ़ी हो गई थी और इसे मैंने ट्रिमिंग करके और स्प्रे करके ठीक किया है। अभी मैं इसको भी ठीक करूँगी, इस पर भी वाइट फ्लाइज का अटैक होने लगा है। अगर आप इसे रोज़ शावरिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कीड़ा अपने आप ही
दूर हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी पौधे को सर्वाइव करने में। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल बनाया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।